हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना होम किचन में। आज मैं लेकर आया हूँ एक और रेसिपी। ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले थाली लेंगे और उसमें आधा कप आटा डालेंगे और उसी से आधा सूजी डालकर मिक्स करेंगे। और अब इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे और इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसमें मोयन मिलाने के बाद हम इसका कड़ा आटा गूंथ कर रखेंगे। आटा गूंथने के बाद उस पर थोड़ा सा तेल डालकर उसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और अभी इस आटे को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे और इसका लोइया बनाएंगे। और एक बड़ा सा लोई लेकर इसे बड़ा सा रोटी जैसा बेल लेंगे, पतला सा। और ये रोटी बेलने के बाद इसे कटोरी या किसी गिलास से इसको काट लेंगे। और इसी तरह एक और बड़ा सा रोटी बेलकर इसको भी हम गिलास से काट लेंगे। और अब मैं इसे कांटे वाले चम्मच से इसको छेद कर लूँगी। और इसके बाद गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल डालकर गरम करेंगे और इसको मीडियम आंच पे तो हल्का ब्राउन होने तक इसको हम तलेंगे। इस पूड़ी को हम मीडियम और हाई फ्लेम से तक हम इसको तलेंगे। इसी तरह हम सारे पूड़ियों को तल लेंगे और निकाल लेंगे प्लेट में।
और मैंने सारे पूड़ियों को तलकर रख लिया है। अब चाशनी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें एक कप चीनी डालेंगे और उसमें उसी से आधा पानी डालेंगे और इसको एक तार की चाशनी होने तक कम से पकाते रहेंगे। और अब चाशनी बनकर तैयार हो गई है और अब हम यहीं पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसके बाद जो मैंने पूड़ियाँ तली थी और इसे मैं डाल के ऊपर नीचे इसको उलट पलट कर इसको मिक्स करूँगी और किसी प्लेट में इसको रखती जाऊँगी। और मैंने सारे पूड़ियों को चाशनी में डुबोकर प्लेट में रख लिया है। अब ये तैयार हो गई है खस्ता पूड़ी, मीठी वाली। खाइए मज़े से और बहुत ही ये टेस्टी भी लग रहा है।